आई एम एन इंडियन यूथ एंड ऑफ कोर्स हम लोग को लोग अपने रियल टाइम से ज़्यादा पढ़ाई के मार्क्स पर जज करते हैं. वी आर एन इंडियन यूथ एंड ऑफ कोर्स हम लोग को एक ना एक दिन सब जिम्मेदारी लेनी ही है. वी आर इंडियन यूथ ये लोगों के हिसाब से ये हम लोग के पढ़ाई करने के भी और इन्जॉय करने के भी दिन है. कभी कभी ये बात सच भी लगती है. वी आर एन इंडियन यूथ एंड ऑफकोर्स हम लोग को पढ़ाई और इन्जॉयमेंट को साथ लेके चलना पड़ता है. वी आर इंडियन यूथ एंड ऑफकोर्स सोसाइटी को हमसे कुछ ज़्यादा ही प्रेशर है. स्पेशली अपने जूनियर के लिए जो एग्जाम्पल है वो सेट करने के लिए. वी आर इंडियन यूथ ऑफकोर्स हम लोग बिजनेस से ज़्यादा जॉब के पीछे भागते हैं. वी आर इंडियन यूथ हमें से कईयों को प्रेशर किया जाता है कि टेंथ के बाद साइंस ले, ट्वेल्थ पास आउट एच एस पास आउट करके इंजीनियरिंग ले, फिर एक कंपनी में जॉब करे. लेकिन नहीं, हर किसी का अपना ड्रीम होता है और हमें उस हिसाब से जीना चाहिए. जैसे हम लोग का जो ड्रीम है उसके लिए हम लोग को काम करना चाहिए, ना कि प्रेशराइज होके. आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर एन इंडियन यूथ. ऑफ कोर्स हम लोग को हमें से कईयों को YouTube वीडियोस बनाना पसंद है, जैसे कि मुझे. आप समझ सकते हैं. उम्मीद है आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आएगा. और आप थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू सो मच. गुड नाइट.